हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं रायचंस कहते हैं। हाँ, इस परिवार ने अपने खोए हुए बिजनेस और घर को हासिल कर फिर से मारी बाजी। बेटा, जब इंसान सच्चा हो ना और मुसीबत में भी अपनी हिम्मत निहारे ना, तो भगवान भी ज्यादा दिन उन्हें तकलीफ में नहीं रखता। ये हमारी जीत है, रायचंस की जीत है, और मैं चाहती हूँ कि इसकी गूंज पूरे इंदौर में पहुंचे, ताकि जो लोग हमसे नजरें नहीं मिलाकर बात करते थे वो सब हमसे मिले और हमारी खुशी में शामिल हो। और मम्मी जी, जिन लोगों ने इस बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, उन्हें एक थैंक यू कह सके। 100% तो विधि और प्रिया, शाम होने में ज्यादा वक्त नहीं है, तो आप दोनों ने सबको इनविटेशन भेज दिया ना? जी मम्मी जी। मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ, मेरी लिस्ट में कोई है तो नहीं गया है। हेलो, हाय एवरीवन। आप लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए भाई साहब, मेरे ना थोड़े इनवाइट्स बाकी थे, मैं आपके ड्राइवर के साथ भिजवा रही हूँ। सुनिए, आप लोग ना ये सब उठा लीजिए, आधे इनविटेशन गाड़ी में ऑलरेडी रखे हैं, वो और ये वाले इनविटेशन, ये ना प्लीज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। और हाँ, लिस्ट अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई छूटना नहीं चाहिए। देव, चित्रा, क्या बात है? जब से तुम दोनों आए हो चुप चुप बैठे हो, कुछ हुआ क्या? हाँ देव जी, चित्रा, सब ठीक है ना? हाँ, वो भाभी, मैं और देव भाई जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हो गया। कौन सा काम हो गया देव? आज के बाद हम सब लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, खास करके चित्रा की। हम तक बात पहुंच गई होगी, आप लोग भी देख लीजिए। डिवोर्स? पर ये सब क्यों, कब? प्रणाम वकील साहब। देखिए मेरी भांजी हालत क्या हो गई है, जब से इसकी बीवी गई है ना, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, बस दिन रात चित्रा की माला जपते रहता है। योगेश, तुम भी कुछ बताओ ना, जरा बताओ कैसे चित्रा के प्रेग्नेंट होने की बात हमसे छुपाई, ताकि पूरा मेहता ग्रुप हड़प सके। वकील साहब, ये चित्रा के जाने की वजह से ना हमारे पूरे परिवार का नाम खराब हो गया है। वैसे वकील साहब, इन सब मामलों को लेकर हम रायचंद पे केस कर सकते हैं? देखिए अंबा जी, ये एक बहुत ही डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। शादी का मामला है और लड़की अप फ्रंटली सामने से तलाक लेना चाहती है, और हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फीमेल्स के लिए काफी फेवरेबल है। लड़की पढ़ी लिखी है, ऊपर से वेल टू डू फैमिली से है, एंड पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेग्नेंट भी है। अब ऐसे मामले में जाहिर सी बात है, 100% लड़की का पलड़ा भारी रहेगा, केस उसकी तरफ झुकेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे स्टार भारत पर।